फ्लावर, ये एक हमने सेंटेंस लिख दिया क्या, डोंट प्लग द फ्लावर। ये डोंट नकारात्मक शब्द है, तो इस प्लग द फ्लावर ये क्या है, वर्ब ये क्या है, ऑब्जेक्ट। जहां वर्ब ऑब्जेक्ट मिले इसका मतलब ये प्रारूप एक्टिव वॉइस का है, इसमें इंपरेटिव है। पैसिव वॉइस का होता है लेट, तो इसका पैसिव वॉइस का जो वही होता है लेट ने बुलाया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। अब यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद क्या आएगा बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इसका प्रारूप नेगेटिव वाले का क्या रहेगा, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी। या कहें कि जो पहला प्रारूप होता है उसमें ऑब्जेक्ट के बाद यदि हम नॉट लगा दें तो वो इम्परेटिव का नेगेटिव वाला प्रारूप आपका हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इस आधार पे हमें बनाना है नेगेटिव है तो लेट लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर। द फ्लावर के बाद क्या लगाना, नॉट, उसके बाद बी प्लक PLUCKD प्लग्ड। तो आपका ये क्या बन जाए, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड। तो ये इम्परेटिव के आपके सभी कंप्लीट हो गए। एक कभी कहार इट इज टाइम टू, यानी इंटरमीडिएट में परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, उसको बता देते हैं। यही स्पेशल काइंड ऑफ में आता है, तो ये नोट कर लीजिए आप और प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। तो एक लास्ट बचा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इससे ज़्यादा आपसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किसी भी बुक या कहीं से उठा के देख लीजिए नहीं मिलेंगे। एक लास्ट केस बचता है जो आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या है, कभी कभी बोर्ड परीक्षाओं में मिला है। एक आपको एक्टिव दे देते हैं, इट इज टाइम टू शट द शॉप। आप इसको बोल देंगे आप पैसिव बनाइए, ऐसे लिख देंगे। इंटरमीडिएट परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये प्रारूप, पैसिव बनाइए। तो इसका पैसिव क्या बनता है वो देखिए, प्रारूप यही रहेगा, इट इज टाइम आपको मिल जाएगा टू के बाद, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट वर्ब से क्लियर हो गया ये कौन सा है, इम्परेटिव। लेकिन स्पेशल फ्रेज इन्होंने जोड़ दिया है इट इज टाइम टू, इन्होंने क्या एडिशन किया है, स्पेशल फ्रेज ऐड किया है इट इज टाइम टू। तो इसको यदि आपको पैसिव में बदलना है तो क्या करना है, इट इज टाइम, उसके बाद टू को आप रिमूव किसके, टू के स्थान पर लाएंगे फॉर, इट इज टाइम फॉर, उसके बाद क्या लाएंगे, ये सॉरी गलत लिख दिया, ये सब क्या है वर्ब है, ये हो जाती है ह्यूमन एरर ऑब्जेक्ट। उसके बाद जैसा है पैसिव बनाते ऑब्जेक्ट लाएंगे, द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप, उसके बाद क्या लाते थे बी। ये समझ लीजिए वही प्रारूप है, लेट के स्थान पर ये फ्रेज को रखना है, उसके बाद क्या लाते हैं, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, क्या लाएंगे टू बी, उसके बाद शट है, शट का थर्ड फॉर्म क्या होता है शट, शट शट, तो शट ही हो जाएगा, अगर क्लोज होता तो क्लोज्ड हो जाता। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप बी क्लोज, ये स्पेशल केस है, कई बार इंटरमीडिएट परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, ये जो फ्रेज है स्पेशल ये समझ लीजिए ये लेट के स्थान पे आया है तो आपको इसको टच नहीं करना है इट इज टाइम। उसके बाद आपको ये जो इन्फिनिटिव टू है उसके स्थान पर फॉर लगाना है, उसके बाद जो इम्परेटिव आप क्रिया करते थे ऑब्जेक्ट को लाते थे, ऑब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद आप बी, यानी उसके स्थान पर आपको टू बी का उपयोग कर देना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया। इससे ज्यादा आपको इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ मिलेगा नहीं। कहीं से प्रैक्टिस किसी भी परीक्षा में बैठ जाइए, कहीं से प्रैक्टिस कीजिए,
कुछ मायने नहीं रखता। अगर फिर भी मिलता है तो कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा उस सेंटेंस को, हम वो भी बताएंगे। तो यही इम्परेटिव सेंटेंस का फाइनल या लास्ट केस था जिसे पूछा गया है परीक्षाओं में, तो इसे भी स्पेशल केस में आपको याद रखना है। तो आपके एक्टिव पैसे खत्म होते हैं यहाँ पर, शायद पाँच, एक वीडियो छोटा आया था, पाँच वीडियो में पाँच पार्ट हो गए छोटे छोटे, बीस बीस पंद्रह पंद्रह मिनट के बीस बीस, तो उसमें आपको सभी कवर करने हैं। यदि आप ये पार्ट देख रहे हैं तो इससे पहले वाले पार्ट देखिए, तब बहुत ज़्यादा समझ में आए। तो एक्टिव एंड पैसिव आपका समाप्त हो चुका है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। यदि पसंद आ रहा है सेशन तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो निःशुल्क सेवा चल रही है इस पर फायदा उठाया जाता है।